नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। इस वीडियो में कलर्क लैवल के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल बन सकते हैं वह सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट एंड काफ़ी एक्सपैक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो करके इस वीडियो में ध्यान देख लो एंड नाल दी नाल अपनी नोटबुक उपर राइट डाउन जरूर कर लो। ओके दोस्तों, एंड एंड विच जे तुहानू इह वीडियो बेनीफिशियल लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट ते चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, ईमेल का पूरा नाम की है तो इलैक्ट्रॉनिक मेल ईमेल नूं कहा जाता है। दो क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, कौन ईमेल का खोजकर्ता वजो सहरा दिता जाता है, मतलब कि ईमेल का खोजकर्ता कौन है। तो रे टॉमलिंसन नामक साइंटिस्ट से जो व्यक्ति से जिसने ईमेल की खोज की। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, ईमेल किस साल में खोजा गया से, तो 1971 ईस्वी में पहली बार ईमेल की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर चार की गल करिए, ईमेल भेजने लिए उपभोक्ता के नाम नूं मंजिल सर्वर नाल जोड़ने लिए किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता है, तो एट द रेट यूज होंदा है। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, हेठ लिखा विचों किहड़ा ईमेल सही फॉरमैट विच है, तो पहला आपां नेम हुंदा उस तो बाद एट द रेट हुंदा, उस तो बाद वैबसाइट का नाम हुंदा या डॉट इन हुंदा। ओके दोस्तों, एंड दोस्तों एक गल होर तुहाडे नाल शेयर कर रही हां, जे तुसीं परफेक्ट तैयारी PSSB क्लर्क की करना चाहते हो तो साडा वट्सअप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता हुआ है, उस लिंक से क्लिक करोगे तो ग्रुप जो हो ज्वाइन हो जाएगा, जिस विच सब तो पहला लिंक जाता है क्लासेस का, जो भी क्लासेस अपने चैनल पर पैंदियां ने उसका लिंक सब तो पहला वट्सअप ग्रुप में शेयर करता हूँ। इस अलावा स्टडी मटीरियल की PDF रूप में जी PDF फाइल मैं उत्थे शेयर करता हूँ। हुण जे तुसीं भी क्लर्क बारे पूरी इन्फॉर्मेशन सब तो पहला लेना चाहते हो तो साडे ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लो, लिंक तुहानू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, किहड़े खेत्र वरत्या जाता है जिथे ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ईमेल पता रख्या हुंदा है, तो जो आप ईमेल ओपन करते हैं उत्थे टू लिखा हुंदा है, जिस विच आपां ईमेल प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखना हुंदा है। क्वेश्चन नंबर सात की गल करिए, किहड़े खेत्र विच ईमेल भेजने वाले का पता शामिल हुंदा, फॉर्म विच ईमेल भेजने वाले का पता शामिल हुंदा है। क्वेश्चन नंबर आठ की गल करिए, जे ईमेल नूं वधेरे भेजा जाता तो एक व्यक्ति द्वारा ईमेल पता एक डैश द्वारा वक् कर दिया जाता है, एक कोमा द्वारा वक् कर दिया जाता है। जे आप ज़्यादा बंद ईमेल भेजते हैं तो कोमा लगा के दूजा ईमेल एड्रैस आपको फिल करना पैंता है। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, भारत तो खोजी का नाम जिसने ईमेल में योगदान दिता तो शिवा अयुद्रिया यह सी जिन्होंने हैल्प की रे टॉमलिंसन की ईमेल फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर दस की गल करिए, एट द रेट किस साल में खोजा गया से, तो 1972 ईस्वी में खोजा गया से, रे टॉमलिंसन द्वारा ही खोजा गया से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह की गल करिए, ईमेल में CC का पूरा नाम की है, कार्बन कॉपी। पिछली बार SI के एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होया से, करके चंगी तरह इसको रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर बारह की गल करिए, ईमेल में BCC का पूरा नाम की है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर तेरह की गल करिए, ईमेल में एक विशेषता है जिस नाल सानू लोड नहीं टाइप करन दी ऑटोमैटिकली सेव हो जाता है, जिहड़ी फ्रॉम है डेटा हो टाइम है यह ऑटोमैटिकली सेव्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, फस्ट ईमेल सर्विस नेम वाज होटमेल, होटमेल से मतलब कि पहला ईमेल की सर्विस जी रिलीज हुई थी होटमेल हुई थी। होटमेल की खोज किसने की थी, तो अपने इंडियन शबीर भाटिया ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, होटमेल के बाद किस विच तब्दील कर दिया गया, इस तो बाद माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया होटमेल, तो इसका नाम बदल के MS आउटलुक रख दिता। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, ईमेल में अनवांटड मेल में की कहते हैं, स्पैम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्पैम में यह अनवांटड मेल चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, ईमेल स्पूफिंग की कहते हैं, तो मालवेयर अटैचमेंट जो कोई भी आप अटैचमेंट करके भेजते हैं उसको ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, ईमेल में कितने हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम होता है, उसके बाद एट द रेट होता है, फिर डोमेन नेम होता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, ईमेल में कितने प्रोटोकॉल की वरतों की जाती है, तीन प्रोटोकॉल होते हैं, SMTP POP3 ते IMAP, यह तीन प्रोटोकॉल इनकलूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, ईमेल में SMTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम की है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल नेम है। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, ईमेल में SMTP प्रोटोकॉल का काम की है, मैसेज में भेजन वास्ते मेल में भेजने लिए जिहड़ा प्रोटोकॉल काम करता है तो उसको मेल सेंडिंग लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, ईमेल में POP3 का पूरा नाम की है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, ईमेल में POP3 IMAP प्रोटोकॉल का की काम है, मेल है जो मैसेज रिसीव करने तो स्टोर करने POP3 ते IMAP प्रोटोकॉल की जरूरत पैंदी है।
क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, अजक मेल रिसीव लिए कि प्रोटोकॉल की वरतों की जाती है, तो पोप 3 तो आई मैप अजक टाइम ही यूज़ हों प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, ईमेल क्लाइंट का की काम है, मेल पढ़ने लिए एक सॉफ्टवेयर होंगे यह जिसनों आप ईमेल क्लाइंट के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, ईमेल क्लाइंट की उदाहरण तो यह तीन जी उदाहरण ने MS Outlook, Mozilla Thunderbird तो Apple Mail, ये सारे क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म है यह मेल या ईमेल रिसीव कर सेंड कर। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, वैब मेल की होंगे एक उदाहरण, तो ईमेल हो गया जिम्मे जीमेल हो गया, तो जिमें वैबसाइट होंगी उसको वैब मेल कह दें आप, तो रेडमेल ये सारी उदाहरण ने। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, AOL का पूरा नाम क्या है, अमरीका ऑनलाइन इसका पूरा नेम है। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, वैब मेल वरतने लिए की जरूरत है, तो इंटरनेट ओबियस है, तो सिंपल जी गल, इंटरनेट जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, एक मेल बॉक्स तो ईमेल लिया एक साधारण प्रोटोकॉल वरता जाता है, तो पॉप 3 प्रोटोकॉल जिमें कि तुम उपर समझा चुके हैं इस बारे। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, किस देश ने ईमेल की खोज की, तो अमेरिका ने की। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, ईमेल का स्टोरेज खेत्र डैश है, मेल बॉक्स में ही जिड़े की मेल आते हैं उत्तर स्टोरेज होंगे रहते हैं, तो उसको मेल बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, ईमेल पते विच डैश इस चिन्ह की वरतों करके यूजर नेम ISP तो बख करते हैं @ की यूज़ करके। ओके दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, तो इस तरह की होर काफ़ी वीडियोज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड ऑलरेडी अपने चैनल पर करवा चुके हाँ। जस्ट तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे कंप्यूटर क्लास बाय मनु मोड़, तो थ्योरी विच भी क्लासेस तो मिल जाएगी, उन्होंने चंगी तरह एक बार ध्यान देख लो, तो राइट डाउन जरूर कर लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन क्लासेस में कवर किए हुए हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, यह तुहानू किते भी अपनी ईमेल एक्सैस करन दी आग्या दिंदा है, तो वैब मेल इंटरफेस करके आप किते भी अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, एक ईमेल भेजने वाले केड़ी लेंस नूं इहदे भाग बारे दसदी है, तो सबजैक्ट द ऑप्शन हुंदा है वह ईमेल भेजने वाले की लाइन दे सुनेहे दे भाग बारे दसदा है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, SMTP केड़ा प्रोटोकॉल, यह पुश प्रोटोकॉल भी इसनूं कह दिंदे ने, तो इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, MSN यानी मैसेंजर और AOL की एक उदाहरण, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है यह। क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, Gmail विच अटैचमेंट का आकार साइज लिमिट की सीमा की है, तो 25 MB तक की आप जो साइज लिमिट इस विच सेंड कर सकते हैं ज रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, Gmail उत्ते कितनी स्टोरेज मुफ्त है, तो 15 GB तक आप स्टोरेज सेव रख सकते हैं अपनी जो भी अपना डेटा है उसनों। क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, Yahoo Mail के खोजकर्ता का नाम जैरी यंग एंड डेविड फिलो, यह दो ने मिलकर Yahoo Mail की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, Gmail के खोजकर्ता का नाम तो पाउल बुचेट ने Gmail की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, अनचाहे मेल में की कहा जाता स्पैम, जिमें कि क्वेश्चन आप पहले उपर रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, ईमेल की सुरक्षा प्रदान करने लिए किहड़ा प्रोटोकॉल वरता जाता है, तो PGP प्रोटोकॉल यूज़ होंगे है सिक्योरिटी वास्ते होंगे यह ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, PGP का पूरा नाम की है, प्रिटी गुड प्राइवेसी इज़ द फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, साधारण मेल ट्रांसफर यानी SMTP प्रोटोकॉल की वरतों डैश ट्रांसफर करने की जाती है, सिर्फ ओनली टैक्सट फाइल सेंड करने वास्ते इसका यूज़ होंगे है। क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, SMTP केड़ा पोर्ट नंबर वरतदा है, तो 25 पोर्ट नंबर इसका होंगे है। क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, POP3 केड़ा प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज़ करता है, यह 110 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, हेठ लिखे पिछले केड़िया धमकिया ईमेल सुरक्षा नूं हन, तो यह सारी वायरस भी हो सकता, ईमेल थ्रू वायरस भी सेंड किया जा सकता है, ट्रोजन भी किया जा सकता, स्पैम भी, तो फिशिंग भी, यह एक तरह के वायरस होंगे ने जो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आके अपना डेटा लॉस कर सकते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, हेठ लिखे पिछले केड़ा प्रोग्राम उपयोगता द्वारा ईमेल भेजने से प्राप्त करने लिए वरत्या जाता है, तो मेल यूजर एजेंट इस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, डैश प्राप्तकर्ता संदेशों के सारे प्राप्तकर्ताओं लिए अधिक हैं, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन, यह किसी भी आप सेंड कर सकते हैं, बट जोड़ा भी सेंड करता उसका ईमेल एड्रेस शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, WWW की खोज किसने की, टाइम वर्नर ली ने WWW की खोज की।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, WWD ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 1990 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, URL ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ ਨੇ ਹੀ URL ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਹੂ ਗੂਗਲ ਐਂਡ MSN ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MSN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 1995 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ VSNL ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। VSNL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਮ ਪੇਜ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੰਬਰ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1970 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ USA ਯਾਨੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਪਨੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ। ਆਰਪਨੈਟ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਪਨੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TCP/IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। TCP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ .com ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ .com ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ .organization ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ORG ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਟ ਵਿਜ਼ਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਕੁੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਸੀ ਮਤਲਬ ਔਰਕੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਰਪਨੈਟ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਰਪਨੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਰਪਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਰਪਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਬ ਪੇ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ .edu.usa ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ USA USA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ .edu.us ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ USA ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਟ ਇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, TCP ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇਹ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, TCP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਲੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਵੈਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, URL ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ URL ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 79 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੋ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, HTTP ਨਾਮਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। HTTP ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੋਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, URL 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HTTP www ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ HTTP ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ HTTP ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।
क्वेश्चन नंबर 83 की गल करिए, एक वैब पेज के तौर पर वर्ड डाकूमेंट सेव लई की चाहिए है, तो टू सेव्ड एज एच टी एम एल, यह सेविंग फाइल का एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 84 की गल करिए, उन्होंने सारे वैबसाइटा और वैब पेजा बारे जानकारी जिन्हों बारे तुम समय समय से विजिट किया है उपलब्ध है, वह हिस्टरी लिस्ट में इंक्लूड होंगे है। ब्राउजर की है, इंटरनेट पर वैब पेज की खोज सॉफ्टवेयर में ब्राउजर आप कहने, जिमें अपना क्रोम ब्राउजर होगा, पेरामिनी होगा, ये सारे इंटरनेट की खोज करने वास्ते एक वैब पेज ने। क्वेश्चन नंबर 86 की गल करिए, विश्व का पहला वैब ब्राउजर का नाम की सी, www से। www की खोज किस द्वारा की गई सी, 1990 ईस्वी में टिम बर्नर ली द्वारा की गई सी। सर्वर तो तुहाडे कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने लई प्रक्रिया नूं की कहिंदे ने, डाउनलोडिंग कहिंदे ने उसनूं। क्वेश्चन नंबर 89 की गल करिए, एक वैबसाइट का एड्रैस या URL एक विलक्षण नाम है जिसने एक वैब पेज से एक खास डैश की पहचान स्थापित की है, तो उसनूं वैबसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की गल करिए, एक वैब पेज नूं मुड़ लोड करने वास्ते रिफ्रैश बटन दिता हुंदा, वैब पेज विच भी हुंदा ते अपने कीबोर्ड विच भी हुंदा। क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, वर्ल्ड www का पूरा नाम की है, वर्ल्ड वाइड वैब इस दा पूरा नाम है, तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 93 की गल करिए, बहुत वैबसाइटों का मुख पन्ना हुंदा है जो इस वैब पेज दे बाकी दरवाजे लिए दरवाजे का काम करता है, उसनों आप होम पेज कहने। क्वेश्चन नंबर 94 की गल करिए, नियमित लिखित कौन इंटरनेट का पिता वजो जाना जाता है, तो बिन सर्फ नामक साइंटिस्ट जो इंटरनेट का पिता फादर उसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 की गल करिए, एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की, चार्ल्स बैबिज ने 1842 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 96 की गल करिए, डक डक गो की है, एक सर्च इंजन है जिस तरह ब्राउजर है, एक ब्राउजर मतलब कि रसिया का ब्राउजर है डक डक गो। क्वेश्चन नंबर 97 की गल करिए, पहला इंटरनेट जिसने पहला नैटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज लगाए थे, तो आरपनैट से जिन्हें इंटरनेट की खोज करने हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 98 की गल करिए, हेठ लिखे बच्चों के नैटवर्क टैलीफोन लाइना की वरतों करता है, वैन नैटवर्क है, वैन का पूरा नाम क्या, वर्ल्ड एरिया नैटवर्क है इसका। क्वेश्चन नंबर 100 की गल करिए, नियमित लिखित कि संचार प्रोटो है जो हरेक कंप्यूटर एक्सैस वैब आधारित जानकारी द्वारा वरते जाने वाले प्रोटोकॉल सैट करता है, उसनों HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 की गल करिए, सर्च इंजन की है, वैबसाइट होंगी है जिससे आप जाके इंटरनेट का जी सुविधा ले सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, उसनों सर्च इंजन कहा जाता है। यह हैंड हिल्ड ट्रांस रिसीवर के तौर पर जाना जाता वाकी टोकी। वाकी टोकी की खोज किस द्वारा की गई सी, डोनल्ड हाइजिंस द्वारा यह इनवेंट की गई सी। क्वेश्चन नंबर 114 की गल करिए, मोबाइल फोन एक अमरीकी इंजीनियर की खोज है जिसका नाम की है, मार्टिन कूपर नामक साइंटिस्ट ने इंजीनियर ने इसकी खोज की सी मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन की खोज किस साल में की गई सी, 1953 ईस्वी में की गई सी। पहला फोन कॉल किस देश विच किया गया सी, तो न्यूयॉर्क विच किया गया सी। व्यापारक तौर पर उपलब्ध पहले मोबाइल फोन का नाम दसो, तो मोटोरोला डायना TAC 8000X ए एक मॉडल से मोटोरोला मोबाइल का जोड़ा कि पहला मोबाइल फोन से। क्वेश्चन नंबर 118 की गल करिए, दुनिया का पहला स्मार्टफोन किस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया, तो IBM कंपनी द्वारा ही डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 109 की गल करिए, IBM द्वारा पहले स्मार्टफोन डिजाइन का व्यापारक नाम से जो एंडलर कोड नेम द्वारा चलाया गया से, उसनों सिमोन पर्सनल कम्युनिकेटर के नाम नाल जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 की गल करिए, पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन का नाम की सी, तो HTC ड्रीम आया से जोड़ा पहला एंड्रॉयड से। क्वेश्चन नंबर 121 की गल करिए, इन्होंने कि मोबाइल एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो प्लाम विंडोज़ एंड्रॉयड सिम्बिन ये सारे ओपरेटिंग सिस्टम ने, मैंगो है जोड़ा ये कोई ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 की गल करिए, दुनिया का पहला सैलूलर सिस्टम किस द्वारा विकसित किया गया से, तो निपोन टैलीग्राफ एंड टैलीफोन कंपनी द्वारा किया गया से। क्वेश्चन नंबर 123 की गल करिए, विश्व का सब तो बड़ा मोबाइल नैटवर्क ओपरेटिंग केड़ा है, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कारपोरेशन सब तो बड़ा मोबाइल नैटवर्क कारपोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 124 की गल करिए, भारत का सब तो बड़ा मोबाइल नैटवर्क केड़ा है, रिलायंस जियो है। क्वेश्चन नंबर 125 की गल करिए, अमेजन द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम का नाम दसो, फायर ओपरेटिंग सिस्टम FOS भी इसमें कह दें।
क्वेश्चन नंबर 126 की गल करिए, एंड्रॉयड आई एन सी के संस्थापक कौन ने? तो एंडी रूबेन एंड रिच मिनर नामक दो इंजीनियर ने यह एंड्रॉयड की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 127 की गल करिए, किहड़े साल में गूगल ने एंड्रॉयड प्राप्त किया? तो 2005 ईस्वी गूगल ने भी अडोप्ट कर लिया एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 128 की गल करिए, गूगल ने एंड्रॉयड का एक हल्का वर्जन जारी किया, उसनों की कहें एंड्रॉयड गो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की गल करिए, उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करन दा अभ्यास जिस नाल तुसी हुंदे हो क्योंकि तुसी अपने फोन द्वारा ध्यान भटकाउंदे हो, डैश कहिंदे ने उसनू, फूबिंग कहा जाता है इस प्रॉब्लम नू, मतलब कि किसी नज़रअंदाज करन वास्ते आपां फोन विच घुस जांदे आ, इस सिचुएशन नू की कहिंदे ने फूबिंग नाम नाल जाणा जांदा है। क्वेश्चन नंबर 130 की गल करिए, यह डिवाइस के मालिक नूं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट तक पूरी पहुँच प्राप्त करने लई सारे विशेषतावां नूं वरतों करन दी आग्या दिंदा है, जेल ब्रेकिंग हुंदा जिहड़ा कि। क्वेश्चन नंबर 131 की गल करिए, तुरन वाला व्यक्ति स्मार्टफोन की वरतों कर रहा है अते ध्यान नहीं दे रहा है, जिवें उह चलदे हन संभावत तौर ते किसी दुर्घटना का जोखम है, इस सिचुएशन नूं की कहिंदे ने? समोम्बी नामक सिचुएशन, इस सिचुएशन दिता गया तो जो भी चलते टाइम फोन यूज़ करता है जब कोई दुर्घटना का जोखम हो जाता है उस प्रक्रिया नू, मतलब उस सिचुएशन उस व्यक्ति समोम्बी के नाम नाल जाना जाता है, मतलब एक तरह आप डिसीज दे देने उस बीमारी का नाम रख देना कि उसमें यह बीमारी है समोम्बी नामक यह फोन यूज़ करता रहता चलता फिर। क्वेश्चन नंबर 132 की गल करिए, एप्पल द्वारा डिजाइन किए गए अते बनाए गए निजी डिजिटल सहायक PDA की लड़ी नूं डैश कहते हैं, एप्पल न्यूटन इसनों कहा जाता है। मोबाइल फोन संपर्क करने लिए डैश वेव की वरतों करता है रेडियो वेव की। विश्व का पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का नाम है टेलीनैट इसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 की गल करिए, भारत का पहला नैटवर्क सेवा प्रदाता ISP का नाम तो BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 136 की गल करिए, मोबाइल फोन विच सिम कार्ड का अर्थ है सिम, मतलब सिम का पूरा नाम की है? तो सबसक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 की गल करिए, iOS किस कर्नल से आधारित है? यह डार्विन कर्नल से आधारित है। क्वेश्चन नंबर 138 की गल करिए, एंड्रॉयड किस कर्नल से आधारित है? यह लिनक्स से आधारित है। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का नाम क्या है? एंड्रॉयड R11 इसका नाम है, सब तो लेटेस्ट जो अज के टाइम आप यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन R11 का पूरा नाम क्या है? रेड वेलवेट केक इसमें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 की गल करिए, लेटेस्ट iOS वर्जन कौन है? iOS 14.5 लेटेस्ट जिहड़ा यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 की गल करिए, GSM एंड CDMA का पूरा नाम की है? तो GSM का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, तो CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके दोस्तों, बाकी तो क्वेश्चन आप नैक्सट क्लास में कवर कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इस PDF फाइल में इंक्लूड ने। जो तुम PDF फाइल लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिता है, उसमें जाके ज्वाइन कर लो तो व्हाट्सएप उपर यह PDF रिसीव कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, जो यह वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करके कमेंट जरूर कर दो।